जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए। आप सबसे पहले तो जातिगत जनगणना कराइए। देश के जो प्रधानमंत्री वो क्यों नहीं करा रहे जनगणना? वो इसलिए नहीं करा रहे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या ओबीसी की है, तो ओबीसी को उनकी जनसंख्या मालूम पड़ गई तो फिर उनको ज्यादा हक अधिकार देना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री भी तो ओबीसी है, नकली ओबीसी है। अच्छा, नकली ओबीसी है। हाँ, देश ने ओबीसी प्रधानमंत्री दिया, लेकिन उस ओबीसी के प्रधानमंत्री ने ओबीसी को क्या दिया, ये महत्वपूर्ण है। पूरे देश के लोग आए हुए हैं, साउथ इंडिया से भी हैं, नॉर्थ इंडिया से भी हैं, सभी जगह से लोग आए हुए हैं। साथियों, समय आ गया है 2024 में अपनी सरकार बनाने का। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनहित आवाज, देश की आवाज, बुलंद आवाज, और मैं साक्षी झा इस समय मौजूद हूँ रामलीला मैदान में। हमारे साथ मौजूद हैं लोकेंद्र गुर्जर जी, जो आज जो कार्यक्रम हो रहा है सर, बहिष्कृत वेलफेयर फाउंडेशन इंडिया द्वारा जो बहुजन समाज को लेकर आप लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, आपको लगता है कि इससे सारे लोग, जो भी लोग कहीं ना कहीं जिस अन्य राज्यों से लोग समाचार या वीडियो देख रहे हैं, आप लोग की स्पीचेस सुन रहे हैं, सारे लोग जागृत होंगे? बिल्कुल। देखिए, कोई भी मूवमेंट होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, तो हलचल जरूर होती है। भले ही कम लोग जागृत हों, लेकिन जागृत जरूर होते हैं। मैं इसका बिल्कुल समर्थन करता हूँ, लोग जागृत हों। आज ये इस रामलीला मैदान में जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उनके प्रमुख प्रमुख लोग आए हुए हैं। बहुत सारे लोगों को हम फेसबुक, व्हाट्सअप और ट्विटर के माध्यम से जानते थे, लेकिन आज आमने सामने बैठ के हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर का डिस्कशन कर रहे हैं, आगे आने वाले चुनाव हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। इस तरह से आज तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है, कितने राज्यों से, जितने भी प्रमुख लोगों को आज सहयोगी के लिए बुलाया गया था, कितने लोग मौजूद हैं? लगभग जितने लोगों को बुलाया है, लगभग 90% सभी लोग आ चुके हैं, और पूरे देश के लोग आए हुए हैं, साउथ इंडिया से भी हैं, नॉर्थ इंडिया से भी हैं, सभी जगह से लोग आए हुए हैं, और अपना अपना व्यक्तित्व रख रहे हैं और आगे की फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं सब लोग। जिस तरह से कहा जाता है कि ओबीसी और माइनॉरिटी की जो सीट्स है वो कहीं ना कहीं सिर्फ 1% पे टिकी हुई है, आप लोग चाहते हैं कि जो सीट्स रिजर्व्ड है उनका नंबर बढ़े आगे? एक शौक से बात है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए। आप सबसे पहले तो जातिगत जनगणना कराइए। जब तक आप जातिगत जनगणना नहीं कराओगे, भाई 100 रोटियां हैं। तो देश के जो प्रधानमंत्री वो क्यों नहीं करा रहे जनगणना? वो इसलिए नहीं करा रहे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या ओबीसी की है, तो ओबीसी को उनकी जनसंख्या मालूम पड़ गई तो फिर उनको ज्यादा हक अधिकार देना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री भी तो ओबीसी है, नकली ओबीसी है। अच्छा, नकली ओबीसी है। हाँ, उनने अपनी जाति को कब ओबीसी में शामिल कराया उसका आप डेटा निकलवा लीजिए। मतलब बिना कोई सबूत के वो देश भर में ऐसे चर्चा कर रहे हैं कि वो ओबीसी से है। अरे वो आरएसएस और बीजेपी कुछ भी कर सकती है, कुछ भी संभव है उनकी बात। खेल है ये। वो भी बिल्कुल खेल है। यदि ओबीसी के हैं तो ओबीसी का हक अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं? जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? तब माने, यदि ओबीसी से हैं तो ओबीसी की जातिगत जनगणना कराइए, ओबीसी को अधिकार दीजिए। किस मतलब है आपको? ठीक है, देश ने ओबीसी प्रधानमंत्री दिया, लेकिन उस ओबीसी के प्रधानमंत्री ने ओबीसी को क्या दिया, ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने हिंदू राष्ट्र बनाया, राम मंदिर बनाया है, बेरोजगारी को रोजगार दिया है, लोगों के घर में राशन पहुंच रहा है, मुफ्त राशन पहुंच रहा है, युवाओं को सरकारी नौकरी दी है, और सबसे बड़ी बात कहते हैं कि जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, हम उन सभी लोग वर्ग के लोगों को एक साथ लेके चलते हैं, देश का विकास किया है। अरे विकास तो किसका हुआ? दलित पिछड़ों को तो कभी आपने तो 5 किलो के आटे में बांध के रख दिया। विकास तो अडानी अम्बानी का हुआ, माल्या का हुआ, जो देश छोड़ के भाग रहे हैं उनका विकास हुआ ना। भाई आपने बोला आपने राम मंदिर बना दिया, आपने कर दिया, उनसे दलित पिछड़ों को क्या फायदा है? भाई वहाँ पे भी बैठ के इस देश में जिन्होंने नया सांसद बनाया था ना, उन मजदूरों को भी उन्होंने कहीं ना कहीं एक सम्मान के साथ फूल और उपहार देके वो किया। फूल उपहार से पेट नहीं भरता साहेब, उसके लिए खाना चाहिए, उसके लिए नौकरी चाहिए, शिक्षा फ्री चाहिए उनको। आप देना है तो उनके लोगों को फ्री शिक्षा दीजिए, फ्री स्वास्थ्य दीजिए, ये दें तब मैं मानूं आपको। वो तो आप दे नहीं सकते हैं, क्योंकि यदि ये लोग शिक्षित हो गए, यदि लोग ये स्वस्थ रहने लगे, तो ये फिर आपकी मजदूरी कौन करेगा? इसलिए सबसे ज़्यादा इस देश में राम नाम का जो झंडा बुलंद करके ओबीसी के लोग चले थे, लेकिन उसके बाद जब ट्रस्ट बना तो उसमें ओबीसी का कोई भी नहीं। कहाँ गए विनय कटियार जी, कहाँ गई उमा भारती जी, कहाँ गए जो भी ओबीसी के और नेता थे? वो तो कोई भी ट्रस्ट में नहीं है। जब ट्रस्ट बना तो जो लोग हमेशा ओबीसी को दबाने का काम करते हैं वो लोग ट्रस्ट में हैं, तो फिर हमको फ़ायदा क्या उसका?
अच्छा, आज जो कार्यक्रम रखा गया है, आज और कल यानी कि 23 और 24 जुलाई को जो कार्यक्रम रखा गया है, विशेष रूप से आप लोगों का जो माध्यम है जनगणना की, आपने बात करी और भी मुद्दों पे, कल भी मेरे सर से बात हुई थी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जितने भी मौजूदा लोग हैं, कहीं ना कहीं अभी भी अलग अलग राज्य में लोग सिर्फ वीडियोज देख रहे हैं पर एकत्रित नहीं हुए, सबसे बड़ा काम है लोगों को जागृत करना, तो आप लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि साथियों, समय आ गया है 2024 में अपनी सरकार बनाने का, और अपने लोगों को विधानसभा, कौन सी अपनी सरकार बनाना चाहते हैं? जो ओबीसी एससीएसटी की बात करता हो, उन लोगों को, विधायकों को, उन सांसदों को विधानसभा लोकसभा पहुंचाएं, क्योंकि राजेश पायलट जी कहते थे कि जब तक गरीब किसान मजदूर दलित पिछड़ों का नेता पढ़ लिख कर वहाँ नहीं पहुँच जाएगा जहाँ से इस देश की कानून बनती है संसद, तब तक इन देश के वंचितों का कोई उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि हम रोड पर कितना भी चिल्ला लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप सदन में चिल्लाते हैं उसका महत्व होता है, उसका फर्क पड़ता है। इसलिए जो अभी तक ओबीसी एससी एसटी के जो चुप रहने वाले, पार्टियों के नाम पर जाने वालों को छोड़कर जो रोड पर दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हों, उन लोगों को आप सदन भेज दीजिए, आपकी लड़ाई, आपका जो हक अधिकार आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपने जाना सुना भी कहीं ना कहीं, और जो तमाम लोग जो इस वीडियोस को हमारे चैनल पर देख रहे हैं, आप अलग अलग राज्यों से जितने भी जगह से देख रहे हैं, इस वीडियो में जो कहीं ना कहीं बहुजन जो लोग हैं एकत्रित हुई है, इस लोग जो इनकी जो सूझबूझ है, इनकी जो विचार है, कहीं ना कहीं ओबीसी और माइनॉरिटी लोगों को कहीं ना कहीं इनकी जो सीट रिजर्व को लेकर जो बात कर रहे हैं आप सुन ही रहे थे, तो आपकी क्या राय विचार है, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले। कैमरा पर्सन तोहित के साथ मैं साक्षी जल्द हाजिर।